संत शिरोमणि आचार्य गुरु व श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्हम योग प्रणेता पूज्य गुरु व श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात सूत्र ग्रंथराज जी के चतुर्थ अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय चार में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए स्वर्ग लोक की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में चतुर्थ अध्याय का वर्णन चल रहा है। चौथे अध्याय में देवों का वर्णन करते हुए चार निकायों के माध्यम से देवों की भूमिका बनाई गई, जिसमें भवनवासी देवों के विशेष रूप से जो भेद इत्यादि होते हैं वो आपको बता दिए गए। व्यंतर देवों के विषय में जानने के लिए आगे का सूत्र पढ़ना है। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। यहाँ पर अब व्यंतरों का वर्णन प्रारंभ होता है। एक बात आप और यहाँ समझ सकते हैं कि जब तीसरे अध्याय में नारकियों का वर्णन किया था तो वहाँ पर उन नारकियों का वर्णन करते हुए उन नारकियों के आधारगत जो भूमियाँ थीं उनका भी वर्णन हुआ था। नारकी कहाँ रहते हैं उसका आधार बताने के लिए भी वर्णन किया गया था, क्योंकि जो नारकी का आधार है वो आधार भी अधोलोक में ही है। तो जब अधोलोक में आधार है तो अन्यत्र भी जो देव लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, किस आधार से रहते हैं, इसका वर्णन करने के लिए यहाँ पर देवों का वर्णन प्रारंभ तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से उनकी लोक के माध्यम से संरचना नहीं बताई जा रही। क्यों नहीं बताई जा रही? क्योंकि देवों का रहना एक तो किसी एक लोक में नहीं है, जैसे नारकियों का रहना अधोलोक में ही होता है, और अधोलोक में जहाँ नारकी रहते हैं वो सब पृथ्वी के आश्रित रहते हैं, इसलिए पृथ्वियों का वर्णन करना पड़ा। देवों का वर्णन करने के लिए कोई एक लोक नहीं है, देवों का वर्णन तीनों लोकों में होने के कारण से उसमें कोई हमें अलग से व्यवस्था बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए यहाँ पर इस बात से शुरू नहीं किया गया जैसे नारकियों के लिए किया गया था कि रत्न शर्करा बालुका इत्यादि पहले पृथ्वियों के नाम बताए थे, फिर उसमें रहने वाले नारकियों के नाम बताए, बिल बताए, उनकी आयु वगैरह बताई, उनका कैसा उनका क्रियाकलाप होता है वो बताया। यहाँ पर वैसे प्रारंभ नहीं किया। एक सोचने वाली बात है, जब हम तीसरे अध्याय से चौथे अध्याय के बारे में मिलान करते हैं, विचार करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट शुरू कर दिया। देवास चतुर्निकाय, चार निकाय के देव होते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे नारकियों के लिए आधार है पृथ्वी का, देवों के लिए कोई पृथ्वी के आधार की आवश्यकता नहीं है। देव किसी एक लोक में भी नहीं रहते कि जैसे नारकी अधोलोक में रहते हैं तो देवलोक तो अधोलोक में भी होते हैं, मध्यलोक में भी होते हैं और ऊर्ध्वलोक में भी होते हैं, इसलिए देवों के लिए कोई विशेष रूप से लोक भी फिक्स नहीं हुआ।
और देवों के लिए कोई पृथ्वी भूमि की आवश्यकता इसलिए नहीं कि जो मुख्य देव हैं वैमानिक देव वो सब विमानों में रहते हैं और जो ज्योतिषी देव हैं वो भी सब विमानों में रहते हैं, केवल भवनवासी और व्यंतर बस अधोलोक और मध्यलोक के आश्रित होते हैं। तो उनका वर्णन तो जिस समय पर नरकों का वर्णन हुआ था उसी समय पर खर भाग पंख भाग की विशेषता बताते हुए उनका वर्णन हो चुका था। इसलिए लोक की संरचना के माध्यम से देवों का वर्णन नहीं किया गया है ना। किसी के मन मस्तिष्क में यह प्रश्न आना चाहिए था, मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी ने ऐसा प्रश्न किया नहीं कि जिस तरह से नारकियों का ऐसा वर्णन किया वैसा देवों का वर्णन क्यों नहीं किया। तो जब आपने प्रश्न नहीं किया तो फिर मैंने अपने आप ही उत्तर देना उचित समझा। तो आप लोग भी इस तरह से विचार करें, अपना चिंतन पिछले सूत्रों पर, अगले सूत्रों पर, विषयों पर लगा करके रखें कि किस विषय की प्रस्तुति यहाँ किस तरह से की जा रही है। तो यहाँ पर भवनवासी देवों का वर्णन शुरू हुआ, इसके बाद में व्यंतर देवों का वर्णन प्रारंभ हो गया। जो बात हम कहते आ रहे थे कि यहाँ पर पहले चार निकाय के देवों का नाम लेना चाहिए था, वो नाम नहीं लिया, उसका वर्णन अब क्रम क्रम से आ रहा है। इसी आधार से हम समझ लेंगे कि यही चार निकाय के देव हैं और ये क्रम क्रम से इनके नाम लिए गए हैं। क्योंकि सूत्रकार जो आचार्य होते हैं उनकी विशेषता होती है कि वो एक एक बात को बार बार नहीं दोहराते हैं कि पहले हम नाम लेते भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिका, चतुर्विधा देवा या चतुर्निकाया देवा, फिर हम एक एक को खोलते। तो एक बार ही वो नाम लेकर के अब हमें फिर दोबारा कहना पड़ता, तो फिर हमें कहना पड़ता फिर भवनवासी कौन से होते हैं, तो असुर, नाग, कुमार इत्यादि, तो फिर भवनवासी नाम लेना पड़ता, फिर हमें व्यंतरों के लिए फिर कहना पड़ता, तो फिर व्यंतर शब्द लगाना पड़ता। तो बार बार इस तरह से कहने में सूत्रकारों को कष्ट होता है, सुन रहे हो, बोलने वालों को नहीं होता, किसको होता है, लिखने वाले जो सूत्रकार होते हैं उन्हें एक ही चीज़ को बार बार, एक ही शब्द को बार बार लिखने में कष्ट होता है। और वो इसलिए भी होना स्वाभाविक है क्योंकि यह सूत्र की शैली के विरुद्ध पड़ता है। तो इसलिए यह जो प्रस्तुतिकरण है ये बड़ा अच्छा है, सूत्र के ही जो सिद्धांत होते हैं उसके अनुरूप है। तो यहाँ पर भवनवासी देवों के वर्णन करने के बाद में ही व्यंतर देवों का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया गया है और नाम लिया गया है व्यंतराहा, यही व्यंतर हैं। सुन रहे हैं, व्यंतरों से तो आप लोग परिचित रहते ही हैं, कोई देव को जानते हों या ना जानते हों व्यंतर देवों का परिचय सबके लिए है। तो अब वो व्यंतर देव कितने भेद वाले होते हैं वो यहाँ बताया, जो हम पहले बता चुके थे दशाष्ट, ये कौन सा तीसरे नंबर का सूत्र आया था तो इस सूत्र में जो अष्ट माने दस भेद वाले तो हो गए भवनवासी, जिनका वर्णन कल कर चुके हैं। अब ये अष्ट भेद वाले व्यंतर देव होते हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर पहले भेद बता दिए गए, बाद में इनकी डिटेल से नाम बताया जा रहा है, क्योंकि इनका वर्णन ज़्यादा है ना। कभी कभी अगर हम देखें कि विधाएं अलग अलग तरीके से भी हो सकती हैं, हम एक सूत्रों की समीक्षा कर रहे हैं, सुन रहे हो ना, जैसे कि तत्वार सूत्र का दूसरा अध्याय था, पांच भावों का वर्णन किया और पांच भावों का वर्णन करने से पहले पांच भावों के नाम लिखे, फिर उनकी संख्या लिखी और फिर उनकी जो भी उनके मतलब क्लासिफिकेशन होते हैं वो किया है। तो ये एक पद्धति अपनाई, दूसरे अध्याय में देखने को मिली। अब यहां पर पहले क्या कर दिया, विभाजन पहले कर दिया, दस, अष्ट, पांच, बारह इत्यादि है ना। अब नाम एक एक का उनके ही उपभेदों के साथ में बाद में लिया जा रहा है, सुन रहे हैं, ये भी एक सूत्रों के लिखने की पद्धति है। और जो दूसरे अध्याय में लिखा था वो भी एक सूत्रों के लिखने की पद्धति थी। तो दोनों पद्धतियों को हम अलग अलग रूप में समझ सकते हैं, माने सूत्रकार दोनों पद्धतियों को अपनाते हैं। ये बातें आपको कहीं टीका ग्रंथों में लिखी नहीं मिलेंगी, ये सोचने की बात है जो हम आपसे कह रहे हैं कि पूर्वा पर भी विचार किया करो। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है उसको हमने पढ़ लिया और महाराज आपने कह तो दिया ही था, बस हव हव करना है, सो हम तो हव हव ही कर रहे थे,
तो हाव हाव करते हुए भी कुछ थोड़ा सा चिंतन पूर्वापर बना करके रखना है कि आचार्यों ने किस किस तरह की शैली का कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया है। तो ऐसा भी होता है कि पहले नाम लिखा जाता है, फिर भेद लिखे जाते हैं, फिर उन भेदों का खुलासा किया जाता है, जैसा दूसरे अध्याय में भावों के साथ किया गया। और ऐसा भी होता है कि पहले जो है हमने सामान्य से है ना उनके संख्या लिख दी कि देव चार निकाय के हैं, फिर उनकी संख्या के उपभेद लिख दिए कि वो 10, 8, 5 वगैरह भेद वाले हैं, और फिर अब उनके हम भेद बताना शुरू किए। तो ये भी एक पद्धति है, और इस तरह की भिन्न भिन्न पद्धतियों को, भिन्न भिन्न शैलियों को सूत्रकार अपनाते हैं। तो यहाँ पर व्यंतर देवों के विषय में बताने के लिए जो ये सूत्र आया है उसमें अब देखो आप व्यंतर देवों के कैसे भेद बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है सबसे पहले किन्नर, क्या भेद है, किन्नर जाति के ये व्यंतर देव हैं। अब इसमें आपको पहले वाला सूत्र भी लगाना है, पूर्वयोर द्विंद्राह, सुन रहे हो, और ये वाला भी सूत्र लगाना है, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाह, सब सूत्रों का एक साथ उपयोग करना है ना। आठ भेद वाले हैं ये तो अपन ने ऐसे गिन लिए, किन्नर, किम पुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच, ये आठ भेद हो गए, तो ये तीसरे सूत्र का काम पूरा हो गया। अब पूर्वयोर द्विंद्राह, पूर्व के जो निकाय हैं भवनवासी और व्यंतर, उनमें दो दो इंद्र होते हैं। तो दो इंद्र किसके होते हैं, अब जो ये आठ भेद बताए हैं इन्हीं आठ भेदों के दो दो भेद हैं। तो कुछ लोगों के समझ नहीं आता कि अब ये आठ भेदों के दो दो भेद कर दिए तो 16 हो जाने चाहिए, 16 तो हो गए, लेकिन 16 के साथ साथ क्या हम उसमें पूर्व वाले भेद भी जोड़े आठ, कि उन्हीं आठ के हमने दो दो कर दिए तो फिर उन्हीं के वो उपनाम हो गए हा? तो वो वास्तव में उन्हीं के उपनाम ही समझना चाहिए, और उनके उपनाम करते हुए भी हम वहां पर केवल इंद्रों के ही नाम बता रहे हैं हुँ? जैसे यहां पर किन्नर देव हैं, तो व्यंतरों का तो एक निकाय हो गया किन्नर, उसमें एक विशेष जाति हो गई है ना, जाति का मतलब समझते हैं ना, एक समूह विशेष जिसकी गतिविधियां एक जैसी हों उसको जाति कहा जाता है हुँ? जाति का मतलब किसी यहाँ खून से और किसी ब्लड ग्रुप से नहीं है या किसी संप्रदाय से नहीं है, जाति का मतलब होता है समूह, और एक जैसे समूह में एक जैसी ही गुणवत्ता को धारण करने वाले, एक जैसी एक्टिविटी रखने वाले जो लोग होते हैं उनका जो समूह होता है उसको जाति कहते हैं। तो किन्नर जो है आठ प्रकार की जातियों में से एक जाति हो गई, सुन रहे हो, अब वो जाति तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं घूमना चाहिए जो मनुष्यों में सोचते हो जो मनुष्यों में किन्नर जाति मिलती है उधर नहीं ले जाना, ये व्यंतरों की किन्नर जाति बताई जा रही है। अब अगर हम देखें तो इस जाति में दो इंद्र हैं, उन इंद्रों के जो नाम हैं वो इंद्रों के नाम भी क्या हैं, एक का नाम है किन्नर और एक इंद्र का नाम है किम पुरुष। अब देखो कन्फ्यूज नहीं होना, यहां पर अगला वाला जो भेद आ रहा है दूसरा उसका नाम भी किम पुरुष है, सुन रहे हो, तो वो किम पुरुष नाम की जाति अलग है, और यहां पर किन्नर जो जाति है उसके दो इंद्र के रूप में दो इंद्रों के नाम बताए जाते हैं, एक का नाम किन्नर है और एक का नाम किम पुरुष है। अब अंतर समझ में आएगा, एक किम पुरुष तो किन्नर का ही भेद हो गया, और एक किम पुरुष जो है अलग तरह की व्यंतर देवों की दूसरी वैरायटी है ना। तो इनके जो काम हैं वो भी कुछ थोड़ा सा इनके नाम के साथ में साम्य तो रखते हैं, अव्यंतर तो हैं ही, तो उछलना कूदना ये तो इनका एक जातिगत धर्म है ना। फिर इसके साथ में अब जैसे इनके नामों का वर्गीकरण किया जा रहा है कि ये किन्नर हैं, तो किन्नर का मतलब क्या होता है, जो विशेष राग वाले जो गाने इत्यादि गाने का जिन्हें शौक रहता है, विशेष राग वाले रति उत्पन्न करने वाले जो गीत वगैरह गाते हैं उन्हें किन्नर कहा जाता है ना। अब ये किन्नर वर्तमान में जो आप नाम सुनते हो वो किन्नर से इनका क्या साम्य है, तो इतनी इनकी जो क्रियाविधि है वो आपके लिए उस गुण के रूप में साम्यता को देखने में मिल सकती है,
उसके साथ में साम्यता बैठ सकती है ना। वस्तुतः देखा जाए तो ये व्यंतरों के नाम भी बड़ा विचित्र से लगते हैं। जब ये किन्नर किम पुरुष, शाब्दिक अर्थ इसका देखा जाए तो किम माने होता है बुरा, किम जो उपसर्ग लगाया जाता है ये किस लिए, बुरे के अर्थ में आता है ना। जैसे किंकर जो बुरा करने वाला होता है या अच्छा करने वाला नहीं होता उसको किंकर कहा जाता है। बाद में इसी को नौकर के रूप में भी कहने लग जाते हैं। तो ये किन्नर माने अच्छे मनुष्य नहीं है ये। अब देव तो हैं वो, मनुष्य तो वैसे ही नहीं है। तो इनके नाम के आगे किन्नर और किम पुरुष ये जोड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिकता का विषय है कि व्यंतर देवों के ये जो दोनों नाम हैं ये किन्नर और किम पुरुष के रूप में हैं। शायद इसलिए भी कि ऐसा ही व्यवहार मनुष्यों में भी देखने को मिलता है। ये तो नाम अनादिकाल के हैं और इन्हीं नामों के आधार पर जो मनुष्यों में भी जो व्यवहार देखने को मिलता है वह भी इसी नाम के आधार पर रखा हुआ हो सकता है। जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, किम पुरुष कहते हैं, उनके काम भी कुछ इन्हीं व्यंतरों जैसे ही होते हैं। आगे कहा जा रहा है किम पुरुष, इनके भी दो भेद होंगे, दो इंद्र होंगे इनके, है ना। इनका नाम होता है सत्पुरुष और महापुरुष। अब सत्पुरुष नाम का किम पुरुष और महापुरुष नाम का किम पुरुष जाति का इंद्र, ये समझना है ना। मतलब ये तो किम पुरुष एक जाति हो गई और उसके जो दो इंद्र हो गए, तो वो दो इंद्र, एक सत्पुरुष उसका इंद्र का नाम है और एक महापुरुष इंद्र का नाम है। तो उस सीट पर जो कोई भी आकर के देव बनेगा वह इसी नाम वाला इंद्र कहलाएगा, है ना। यहां अलग अलग नाम नहीं रखे जाते हैं, जो नाम फिक्स हैं वही नाम वहां पर देव उत्पन्न होने के बाद प्राप्त करेंगे। अगर वो व्यंतरों का इंद्र बना है तो इन्हीं दो नामों में से किम पुरुष जाति के अगर इंद्र बना है तो इन्हीं दो नामों में से कोई एक नाम उसका होगा, एक सत्पुरुष या महापुरुष। तो ये दोनों इंद्र हैं, इन दोनों की अपनी अलग अलग है ना सेनाएं भी होती हैं, व्यवस्थाएं भी होती हैं, इस तरह से इनका अपना अलग अलग भी चलता है क्रियाकलाप। तो ये हो गए। उसके बाद में व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरग, ये भी एक व्यंतरों की जाति विशेष है। क्या बोलते हैं, महोरग। महोरग का मतलब होता है महा उरग, उरग माना होता है सर्प, है ना। तो कहीं कहीं लिखा हुआ है आचार्यों ने कि सर्प की विक्रिया करने का इन्हें शौक होता है, नागों के भेष बनाना, है ना, बड़े बड़े नागों के फण बनाना, कई हजार फणों वाले नाग के रूप बना लेना, इस तरह की विक्रिया करने का इनका एक मतलब हमेशा एक इनकी मतलब टेंडेंसी होती है। इस कारण से इनका यह महोरग जो नाम है यह भी अपने आप में इनके साथ में बिल्कुल सूट होता है। इनके भी दो इंद्र हैं। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 11 से हमने व्यंतर देवों के 8 वेदों को जाना। नारकियों का वर्णन करते समय आचार्यों ने पहले उनके आधार पृथ्वियों का वर्णन किया, लेकिन देवों के वर्णन में उन्होंने लोक का आश्रय नहीं किया, क्योंकि देव तो तीनों लोकों में होते हैं और मुख्यतः वैमानिक और ज्योतिषी देव तो विमानों में रहते हैं, जिसके लिए किसी भूमि की आवश्यकता नहीं होती। केवल भवनवासी और व्यंतर देव अधोलोक और मध्यलोक के आश्रित होते हैं और इनका वर्णन तीसरे अध्याय में पृथ्वी की अपेक्षा से हो चुका है। हमने सूत्रकार द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दो सिद्धांतों को भी समझा। पहली पद्धति में दूसरे अध्याय में पहले 5 भावों के नाम लिखे, फिर संख्या लिखी और फिर भेदों का खुलासा किया। दूसरी पद्धति में सूत्र 1 में पहले देवों के 4 निकाय बताए, फिर सूत्र 3 में उनके भेदों की संख्या और उसके बाद एक एक का नाम लेकर उनके भेद बता रहे हैं। इससे सूत्रकार आचार्य शब्दों को बार बार दोहराते नहीं है,
सूत्र लिखने की पद्धति टीका में नहीं मिलती। हमें विचार करना चाहिए कि आचार्यों ने किस किस तरह की शैली का कहां कहां पर प्रयोग किया है। अलग अलग अध्याय की शैली अलग है। इस सूत्र में भवनवासी देवों के वर्णन करने के बाद व्यंतर देवों का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया गया है। इसमें पूर्व के सूत्र और इस सूत्र का भी एक साथ उपयोग करना है। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं: किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच। सूत्र के अनुसार भवनवासी और व्यंतर में 2-2 इंद्र होते हैं। इस प्रकार इन 8 भेदों के 2-2 भेद से कुल 16 भेद यह उपनाम हो गए। हमने देखा कि व्यंतर निकाई में किन्नर एक विशेष जाति है। यहाँ जाति का अर्थ किसी ब्लड ग्रुप या संप्रदाय से नहीं है। इसका मतलब है एक जैसी गुणवत्ता को धारण करने वाले, एक्टिविटी करने वाले लोगों का समूह। यह मनुष्यों में मिलने वाले किन्नर नहीं है। किन्नर और किमपुरुष इस जाति में 2 इंद्र हैं। किमपुरुष व्यंतर देवों का दूसरा भेद भी है। हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। किन्नर विशेष राग रति उत्पन्न करने वाले गाने इत्यादि गाने का शौक रखते हैं। व्यंतर होने के कारण उछलना कूदना तो इनका जातिगत धर्म है, पर ये वर्तमान किन्नर से साम्य होते हैं। इनकी क्रियाविधि उनके गुण के रूप में साम्यता को देखने में आती है। किन्नर शब्द किम मतलब बुरा उपसर्ग से बना है। जो बुरा करने वाला होता है उसे किंकर कहते हैं। ये अच्छे मनुष्य नहीं होते। ये तो देव हैं, मनुष्य नहीं हैं। फिर भी इनके नाम के आगे किन्नर और किम पुरुष जोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिकता का विषय है। सतपुरुष और महापुरुष किम पुरुष जाति के 2 इंद्र हैं। इन इंद्रों की अपनी अलग अलग सेनाएं और व्यवस्थाएं होती हैं। हमने जाना कि देवों में अलग अलग नाम नहीं रखे जाते हैं। नाम फिक्स होते हैं और देव उत्पन्न होने के बाद उसे प्राप्त करते हैं। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा नाम किम पुरुष जाति के इंद्र का है? किन्नर, किम पुरुष, सतपुरुष, महोरग। अध्याय 4 की कक्षा 6 का सही उत्तर है वशिष्ठ। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।